नमस्कार द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में महंगाई और जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता वायनाड से सांसद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनको किंग्सवे कैंप पुलिस थाने में लेकर आई है। इसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इसक मुखर्जी नगर के पास सड़क पर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं अपने नेता के समर्थन में। कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। क्या कहिएगा राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है? ये पूरी लोकतंत्र की जो आज देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र में एक कुठाराघात किया जा रहा है लोकतंत्र के साथ में, और जो हिरासत में लिया जा रहा है हमारे राहुल गांधी जी को, वो मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार आज कांग्रेस से डरने लगी, राहुल गांधी से डरने लगी। लगातार जो है कि ईडी की कार्रवाई हो रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, राहुल गांधी पर हो रही है, सोनिया गांधी पर हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? क्या विपक्ष कमजोर होगा इन चीजों से? कांग्रेस ना तो कभी कमजोर थी ना कभी कमजोर होगी, और राहुल गांधी जी का हमारा कहना है ना हम डरते हैं ना डरेंगे और ना डरने वाले, इन चीजों से हम डरने वाले नहीं। इन चीजों की जांच पहले भी हो चुकी थी, उसमें खत्म हो चुकी थी, उन जांच को खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से एक दोबारा से एक डराने की कोशिश कांग्रेस को डराने की और एक मुद्दों से भटकाने की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज 5 अगस्त है, ये कहा जा रहा है कि आज ही राम मंदिर का भी मुद्दा आया था, आज ही धारा 370 हटाया गया था, तो जानबूझ के कांग्रेस ने आज ही का दिन चुना है, इस पर क्या कहिएगा? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 1153 रुपये का है। अच्छा, 1053 रुपये का सिलेंडर है भाई साहब हैं। और इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि महंगाई थोड़ी कम हो, दिल्ली की जनता को राहत हो। तो ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर का दाम काफी ज्यादा है, यहाँ पर और भी लोग हैं, आप क्यों आप लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं? क्यों यहाँ पर आप लोग भारी संख्या में मौजूद हैं? ट्रैफिक रुका हुआ है, क्यों मौजूद हैं आप लोग यहाँ पर? 75 साल पहले भी कांग्रेस ने आजादी के लिए तिरंगा हाथ में लेके लोगों की जनता की लड़ाई लड़ी थी और देश को आजाद कराया था। आज 75 साल बाद भी एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो महंगाई के खिलाफ आज भी तिरंगा लेके गिरफ्तारियां दे रही है। कोई भी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में देख लो, ना संघ ना बीजेपी का कोई नेता महंगाई के विरुद्ध खड़ा होकर तिरंगा हाथ में लेके गिरफ्तारी दे रहा है। अगर आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस 75 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ तिरंगा उठा के गिरफ्तारियां देती थी, तो आज भी जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए हाथों में तिरंगा लेके कांग्रेस पार्टी गिरफ्तारियां दे रही है पूरे देश में। इस मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक जीएसटी से एक गरीब आदमी की थाली में जो रोटी है 75 साल में पहली बार, उस रोटी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। जिस देश में एक घंटे में नमक खत्म हो जाता अफवाह से, उस देश में अगर थोड़ी सी अफवाह उड़ी तो खाना खत्म हो जाएगा, हमारा श्रीलंका से भी बुरा हाल हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस तरफ ध्यान दे, महंगाई को कम करे। एक गृहिणी अगर 100 रुपये पर डे अपनी गृहिणी गृहस्थता में बचाती थी तो 3000 रुपये वो बचाती थी, और एक आदमी उसका जो परिवार चलाने के लिए बाहर नौकरी पे जाता था उसका पेट्रोल भी सस्ता होता था, वो भी 2000 रुपये पेट्रोल में कमा के बचा के 5000 रुपये वो अपने जोड़ लिया करते। लेकिन आज उनकी कमाई जो आज उनकी बचत थी असली बचत जो गृहस्थी से, वो सारी बचत खत्म हो गई और उसकी तनख्वाह उतनी की उतनी रह गई। एक और यहाँ पर और भी लोग हम सबसे आज बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अभी नेशनल हेराल्ड को लेकर जब ईडी में पेशी हुई सोनिया गांधी की, तब भी कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिया गया, आज महंगाई को लेकर प्रदर्शन है, फिर से हिरासत में लिया गया है, कैसे आप देखते हैं दिल्ली पुलिस के रवैये को? मैं दिल्ली पुलिस के रवैये से तो हम खिलाफ हैं, और मोदी सरकार जो कर रही है, बार बार ईडी का पहले भी क्लोज हो चुका था और अब दोबारा तंग करने के लिए राहुल जी को सोनिया जी को ये फिर दोबारा इंक्वायरी बैठा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ होना है नहीं क्योंकि वो लीडर हैं ना, उनके खिलाफ कोई सबूत है, खामखा परेशान करने वाली कांग्रेस पार्टी को है मोदी सरकार। ये देख ले क्या कांग्रेस ना तो डरने वाली है, ना उनके नेता ना उनके MP लड़ने वाले हैं। आज हमारे राहुल गांधी ने गिरफ्तारी दी है, हमारे और सब वर्कर खड़े हैं उनकी उसमें गिरफ्तारी देने के लिए, प्रियंका गांधी राहुल गांधी सोनिया गांधी के पीछे हमारी पूरी कांग्रेस लगी हुई है, और पूरा भारत का पूरा भारत देश हमारा जगह जगह उत्तराखंड पंजाब कहीं चला जाओ सारे में आज
प्रदर्शन हो रहा है और गिरफ्तारियां दे रही हैं। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है, महंगाई का हो या फिर ईडी में भी पेशी, उसको भी लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, क्या इसका असर जो है इन प्रदर्शनों का, क्या आपको चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या 2024 का चुनाव में आपको उम्मीद है कि इन मुद्दों से असर पड़ेगा? निश्चित रूप से इन मुद्दों का असर जो है जनता को दिखाई देगा, आपको, आप मीडिया वालों को भी दिखाई देगा, क्योंकि जो नीतियां ये अपना रहे हैं, अंग्रेजों वाली नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी आज अपना रही है, अघोषित इमरजेंसी आज हिंदुस्तान में लगा रखी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग जब भी कहीं कोई प्रोग्राम करने लगते हैं, ये उनको अनुमति नहीं देती, उनको दिखाते नहीं है, ये दिखाते नहीं है। इतना बड़ा संगठन, जो इतना बड़ा कार्यक्रम आज पूरे भारत में हुआ महंगाई को लेकर, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, इतना बड़ा प्रदर्शन आज हिंदुस्तान में हुआ है राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, बड़े बड़े नेताओं के, प्रियंका जी के नेतृत्व में, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते। ये हमेशा विपक्ष को ये सोचते हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से तो इसको दिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया हमारी जो कांग्रेस आज जो हमारे इतिहास, हमारी जो राजनीति का पांचवा स्तंभ है, वो बिल्कुल नगण्य है। वो आज हमें दिखाई नहीं देती, कहीं भी हमारे इन कार्यक्रमों को दिखाई नहीं दिया जाता, हमें परमिशन नहीं दी जाती, हमें कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन ही नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आज कांग्रेस के वर्कर राहुल जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर निकल आए हैं। आप 144 लगाइए, कुछ भी करिए, हमें अरेस्ट करिए, कहीं भी ले जाइए, हम तैयार हैं, हम जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, इसलिए कई सारी महिलाएं भी आज यहां पर प्रदर्शन में शामिल हैं। यहां पर कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या कहती हैं। मैम, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, कैसे देखती हैं आप इस कार्रवाई को? राहुल गांधी को हिरासत में लिया, ये पुलिस वालों ने गलत किया, मोदी ने गलत किया, राहुल गांधी ने क्या गलत किया? एक महंगाई के खिलाफ आवाज ही तो उठाई है, तो उन्होंने अपने लिए तो आवाज नहीं थी, पूरी जनता के लिए आवाज उठाई है, और आवाज को दबाने के लिए पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार, मोदी जी ने उनको गिरफ्तार करवा दिया, ये बहुत गलत किया है मोदी जी ने। फिर भी हमारी आवाज नहीं रुकेगी, महंगाई के खिलाफ हम कंटिन्यू प्रदर्शन करेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक मोदी महंगाई को कम नहीं करते, और राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया। सीधी सी बात है, जब चुनाव होते हैं तो 10 या 15 हज़ार के हिसाब से ही चुनाव में कुछ सीटों पर हार जीत होती है, और ये 10-15 हज़ार वोट यही दो लोग हैं, जेब कतरे, MIM और आम आदमी पार्टी, जो उड़ाकर ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं उसके गुजरात के बाद 6 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव होने, तो वहाँ भी कांग्रेस को ही आना है, हिमाचल में भी कांग्रेस को आना है, और राहुल गांधी जी की दहशत इतनी इन RSS और भाजपा में है, और ये हमेशा रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ना कभी, वो देश हित में काम करते हैं। इकलौते राहुल जी ऐसे हैं जो आज विपक्ष में देश के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद।